हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS by Education Helper पर। आज हमारा टॉपिक है मीम, जिसे हम कहते हैं मादे। ये मैथ का टॉपिक है और ये हमारी एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम प्लीज़ हमें इसे समझाइए, तो आज मैंने ये टॉपिक लिया है। आज साइंस नहीं लिया है तो आज हम मीम समझते हैं। तो मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू मैं आपको मीम को समझाऊंगी, आप इसे समझने की कोशिश करें। सौम्या, जिन्होंने इसका डिमांड रखा है सौम्या, वो इसको वो भी अच्छे से समझें और आप सभी भी इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, जिससे आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो टॉपिक है हमारा मीम। एग्जाम्पल मैंने जो लिया है वो है फाइंड द मीन ऑफ मार्क ऑप्टिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स जो होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो दे दिए जाते हैं आपको। इस टाइप का चार्ट दे दिया जाता है स्कूल में, क्वेश्चन आपको इस टाइप के दिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक चार्ट दे देते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है, तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसे समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो कॉलम होता है उसमें क्लास इंटरवल दिया होता है, क्लास के इतने से इतने स्टूडेंट के, कुछ बच्चों के कितने आए 10 से 20 तक मार्क्स आए, ठीक है। कुछ के कितने आए 20 से 30 आए, कुछ के 30 से 40 आए, 40 से 50, 50 से 60, इस टाइप से स्टूडेंट के क्या आ रहे हैं, मार्क आ रहे हैं। और उनको हमको क्या करना है कि जो स्टूडेंट, अब कितने स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा क्लास इंटरवल कि कितने से कितने मार्क आ रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सेकंड जो कॉलम होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का होता है। सेकंड कॉलम होता है फर्स्ट क्लास इंटरवल का होता है और सेकंड होता है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है, जिसको हम फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो हम ये देखेंगे, हमें ये भी चार्ट में दिया होता है कि 10 से लेकर 20 स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के कितने आए हैं 10 से 20 आए हैं, और दो स्टूडेंट के कितने आए 20 से 30 आए हैं। मतलब उनका एवरेज क्या बताते हैं कि इतने से इतने के बीच आए हैं। दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 से 20 आए हैं, दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 से 30 आए हैं, इस टाइप से मार्क हमें बताए जाते हैं। तो वही चीज़ वैकेंसी के अंदर क्या आता है कि कितने स्टूडेंट के नंबर आए हैं। हमारे क्लास इंटरवल में वो आता है जिससे इतने से इतने के बीच में, ठीक है। तो 10 से 20 के बीच में, 20 से 30, ये क्या है, क्लास इंटरवल है कि क्लास के अंदर इतने मार्क आ रहे हैं, इतने के इतने नंबर के बीच में मार्क आ रहे हैं, ठीक है। और कितने स्टूडेंट की अगर बात हम स्टूडेंट की करें तो उस इस बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 10 से लेकर 20 के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 1 स्टूडेंट है, ठीक है। अगर हम 20 से 30 की बात करें तो 2 स्टूडेंट है, और 30 से 40 की तो 3 स्टूडेंट है, 40 से 50 की तो 4 स्टूडेंट है, 50 से 60 की तो 5 स्टूडेंट है। अब हमें ये पता चल गया कि इतने से इतने इस एवरेज में इतने स्टूडेंट आ रहे हैं और इसमें इतने स्टूडेंट आ रहे हैं। जो स्टूडेंट है उनको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो वो हमें पता चल गई। अगर हम इनका टोटल करें तो कितने स्टूडेंट हो गए, 5 और ये 5, मतलब 15 हो गए। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो कितने हो गए, ये 15 स्टूडेंट हो गए जिनके मार्क क्या है, इनके इसी एवरेज में आए हैं या इन्हीं के बीच में आए हैं। अब निकालेंगे हम क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, तो उसका भी ना बहुत ही ईजी तरीका है। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है, इसको और इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे कि कितने से कितने के बीच आए, वो मैंने इधर दिखाया, देखिए इधर क्लास मार्क की बात करेंगे, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क के, क्या फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कि कितने से कितने के बीच में आए। तो कितने से कितने, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो 10 से 20 के बीच में आए, तो मैंने यानी का 10 और प्लस है, अपर लिमिट कितनी है 20,
सॉरी इधर 20 आएगा, इधर 10 आएगा, लेकिन कोई नहीं प्लस तो 30 ही आएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो मैंने अपर लिमिट कितनी है 20 और लोअर लिमिट कितनी है 10। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया हमारा 30। और डिवाइड किससे करना है हमको, 2 से, तो हमने इसको 30 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया ये 15। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लास मार्क है वो कितना आया, 15। अगर हम बात करें इस सेकेंड जैसे ये दिया है 30 और 20 टू 30, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 30। ठीक है, जैसे मैं इधर लिख देती हूँ 30 प्लस 20, ठीक है, अपॉन 2। क्या क्लास मार्क निकाल गया मैं, ठीक है, तो कितना हो गया ये 50 हो गया। ठीक है, 50 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 25 आएगा, तो मेरा देखो 25 भी आया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे 40 लेंगे, 40 टू 50, पहले हम 50 लेंगे क्योंकि हमने अपर पहले लिया है, 50 प्लस 40 अपॉन 2, तो ये हमारा कितना हो गया 90 अपॉन 2। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, तो ये भी हमारा 45 आया। ठीक है, ऐसे ही करेंगे सारे, इसका जितना भी ये क्लास इंटरवल है उसको हम कैसे क्या करेंगे, क्लास मार्क में ऐसे चेंज कर देंगे, दोनों जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है दोनों पे ऐड करेंगे, जो इसकी रेंज है उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब निकालेंगे हम मीन। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी और क्लास मार्क जो हमारा निकला है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्लास मार्क कितना निकला फर्स्ट में 15, तो हमने 15 लिख लिया, और फ्रिक्वेंसी कितनी है, स्टूडेंट कितने हैं इस रेंज में, 1, तो हमने 1 लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। अब हम इसका क्लास मार्क कितना है 25 में स्टूडेंट कितने हैं इस वाली रेंज में, इस रेंज में 2 स्टूडेंट हैं, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो टोटल मार्क्स कितना हो गए 50। ऐसे ही अगर हम इसका करें तो फ्रिक्वेंसी 3 है और 35 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा। ठीक है, अगर हम इसका 45 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारा 180 आएगा, ऐसे 55 को 5 में करेंगे तो हमारा 275 आएगा। तो ये जो है वो हमारा निकला क्या, जो फ्रिक्वेंसी और क्लास मार्क को मिला के हमने क्या किया, इन नंबरों को क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हमें हमने निकाला क्यों, इनका मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि हमको ना इसका टोटल चाहिए। क्यों करते हैं हम इसे, क्योंकि जो इनका टोटल आएगा, जो मार्क निकलेंगे इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे, हमारा टोटल आया 625। ठीक है, अब ये टोटल हमारा मीन निकालने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा फ्रिक्वेंसी या Fi इंटू Xi अपॉन सिग्मा Fi। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि Fi Xi का मल्टीप्लाई कितना निकला है हमारा 625, तो हमने वो लिख लिया। अब हम अपॉन में Fi लिखेंगे। ठीक है, हमारा Fi कितना, फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो फ्रिक्वेंसी टोटल स्टूडेंट की कितनी है, मतलब पहले तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं लेकिन हमको अब क्या करना है कि टोटल स्टूडेंट की निकालनी है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने थे 50, तो हम क्या करेंगे इसमें 15 से इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा निकलेगा 4.167। ये हो गया हमारा मीन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मीन कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लेंगे, जो हमें ये वाला चार्ट जो दिया होता है इसमें, तो उसका जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट दोनों में क्या करते हैं, पहले तो हमें ये लिखा हुआ ये भी मिलेगा और हमें ये भी मिलेगा। अभी हमें ये क्या करना है, ये निकालना है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जैसे मैंने ये करके दिखाया,
ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे उसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। इस टाइप से ये हमारा क्लास मार्क बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी और क्लास मार्क की, कि दोनों को हम कंबाइंड करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हम टोटल निकाल पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या दिया क्लास मार्क दिया है और क्या दिया है फ्रिक्वेंसी दी है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में ऐसी करके देखेंगे, जैसे इसमें 15 आया इसमें 50 आया, ऐसे करके सबका करके देखेंगे और लास्ट में इनका टोटल कर देंगे और टोटल हमारा ये निकला है। और फिर क्या करेंगे, अब ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। जब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हमारा जो एफ आई एक्स आई हमने यही निकाल लिया है वो कितना निकला है 625, उसको उधर लिखेंगे। और फ्रिक्वेंसी एफ आई हमारा कितना है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, क्योंकि दोनों जगह पर है वो। ठीक है, तो ठीक है, अब 15 हम नीचे लिखेंगे, 15 से इसको जैसे ये लिखा है 15 को 625 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा 41.67 इंटू ये हमारा क्या निकलेगा 41.67 मीन निकल आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मैंने दो बार समझा दिया है। अभी मैं आपसे सभी से यही आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में फिर से मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं इसको फिर से आपको कराने की कोशिश करूँगी। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कराऊँगी। ठीक है, और आप जितने भी इससे रिलेटेड मीन से रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन्हें निकालने की इसी तरह कोशिश करें। आई होप आप निकाल ही पाएंगे, ज़रूर निकाल पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।